सो है गाइस, जैन सबको कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्यू एन ए करने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कि आप लोग का क्वेश्चन जितने भी होंगे आप इस कमेंट में कमेंट कीजिए। मैं उसी कमेंट में से आपका जितने भी आज जवाब देने वाला हूँ आपके क्वेश्चंस का, मैंने वही कमेंट में से आपके क्वेश्चंस को पिक करके आज जवाब दे रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं अभी फिलहाल लीव में हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मैं कुछ दाढ़ी वाड़ी भी सही से पाल रखा है, तो खैर छुट्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि एक बंदे ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन फिर भी आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बाकी लोग के भी क्वेश्चन के जवाब आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में क्या पता आपका भी वो क्वेश्चन होगा, तो आपको इजीली इसी वीडियो से आपका सभी क्वेश्चन वगैरह डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन पूछा है लॉन्ग रनर ने, सर दांत में गैप लगा है, एक दांत निकल गए थे तो आज आजू बाजू के 2 दांत का सपोर्ट लेके नकली फिटिंग करवाया है, तो कोई प्रॉब्लम होगा? शायद मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा, आपका कहना है कि शायद मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो सकता है बोल के आपका क्वेश्चंस है, तो मुझे नहीं लगता है आपका कोई प्रॉब्लम हो पाएगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी आपने लगा रखा है तो इतना ध्यान नहीं जाता है डॉक्टर का, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर स्टेक्स ने, आप असम राइफल में हो तो आपको इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म कैसे मिली? शायद ये भाई ने मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने ड्रेस में जो यूनिफॉर्म में वीडियो डाला था उसमें असम राइफल के वजह उसमें आर्मी का बेस था, तो उसी को देख के काफ़ी लोग ने ये क्वेश्चन पूछा था मुझे, तो मैं अभी बता देता हूँ इसके बारे में। क्योंकि ऐसा होता है असम राइफल और आर्मी एक ही साथ ड्यूटी करते हैं, और असम राइफल को भी आर्मी कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए वहाँ का आर्मी का जो आर्मी पैटर्न ड्रेस है एंड असम राइफल का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है, एक ही है, सिर्फ उसमें बैच का फर्क है, तो उसमें हमारा रफ यूज़ के लिए चलता था असम राइफल में। हाँ, जब तभी नहीं चलता है जब हम कोई मतलब असम राइफल का ही कुछ फंक्शन हो रहा हो या कोई अच्छा मतलब इंटरव्यू वगैरह में, तो ये सब वगैरह में नहीं चलता, ताकि जो उसमें रफ यूज़ कर सकते हैं हम असम आर्मी का पैटर्न, क्योंकि सेम होता है उसमें, सिर्फ बैच का फर्क है बाकी सब एक ही होता है। तो आई होप आपको अभी ये डाउट क्लियर हो गया होगा आर्मी का ड्रेस आप क्यों पहन रहे हो बोल के। अगला क्वेश्चन पूछा है इंडियन आर्मी ने, असम राइफल में ट्रेड चेंज हो सकता है कि नहीं सर, प्लीज़ रिप्लाई मी। ये कब हो सकता है? जब आप भर्ती होने के बाद आपका जैसे 2-3 साल सर्विस हो जाता है, उसमें जैसे हर साल आपको अपने अपने यूनिट में एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलता है, उसमें वैकेंसी दिया जाता है कि इस ट्रेड में आप अपना ट्रेड चेंज कर सकते हो बोल के, तो हाँ उस टाइम में आप अपना कंपनी के थ्रू से या अपने यूनिट के थ्रू से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कीजिए, फिर उसके बाद जो भी उसका टेस्ट वगैरह होगा उसमें आपको क्लियर करना होगा, पास करना होगा, फिर उसके बाद आपको आपका ट्रेड चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रकाश रॉय ने, सर असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में ही रहता है कि? असम राइफल का जितना भी यूनिट है सब नॉर्थ ईस्ट में रहता है और हमें नॉर्थ ईस्ट में ड्यूटी करना होता है, लेकिन उसके बाहर भी है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी अभी 2 यूनिट रहता है हमारा, उनका जब खत्म हो जाएगा 3 साल तो फिर दूसरे यूनिट को चांस मिलेगा, फिलहाल में जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्ट में ही है अभी असम राइफल, शायद आने वाले दिन में इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं ये लोग, तो आप लोग चेक करते रहना अपडेट, अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपक रावत ने, सर असम राइफल की दूसरी भर्ती कब आएगी? तो असम राइफल की दूसरी भर्ती इस साल में शायद नहीं भी आएगी थी, लेकिन टेक्निकल ट्रेड का तो नहीं आएगा, लेकिन आपको स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू से आपको अगस्त के लास्ट में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा असम राइफल का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्पोर्ट्स कोटा से भर्ती होना चाहते हैं, जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, वो लोग स्पोर्ट्स के अपडेट देखते रहना असम राइफल ऑफिशियल वेबसाइट में, तो सितंबर नहीं तो अगस्त के लास्ट में आपको स्पोर्ट्स कोटा का भर्ती भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पंकज साइकिया ने, इन्होंने पूछा है कि SSC GD कब आएगा? तो SSC GD का आपको दिसंबर में भर्ती खुलेगा, तो उसमें आप ट्राई कीजिएगा, तो आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा इसका भर्ती SSC GD का। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रविराज AR ने, सर असम राइफल की खुकरी के बारे में नॉलेज चाहिए ताकि पता चले कि किस किस काम के लिए यूज़ होता है। तो खुकरी यार असम राइफल की एक शान है, तो अपने पर्सनल भी यूज़ कर सकते हो आप उसको किसी भी चीज़ में, लेकिन जब कोई बड़े बड़े VIP वगैरह आते हैं उसके स्कॉर्ट के लिए गार्ड माउंट के टाइम में कुकरी का ज़रूरत पड़ता है असम राइफल के अंदर में, एंड बाकी टाइम में आप अपने पर्सनल ऐसे यूज़ कर सकते हो, चाहे वो मीट कटिंग के लिए हो या मतलब लकड़ी कटिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजपूत जी ने, इन्होंने पूछा है कि सर असम राइफल की ओपन भर्ती कब आएगी और क्लर्क की भी सर? जैसे कि मैं आपको बता दूं असम राइफल ने अभी तक कोई प्लानिंग नहीं किया कि ओपन रैली खोलने के लिए, अगर हाँ अचानक खुल जाता है तो आपको इसे तो पता चल ही जाएगा, लेकिन
ओपन रैली जहाँ तक मुझे लगता है नहीं खुलेगा असम राइफल का, क्योंकि असम राइफल ने बंद कर चुका है ओपन रैली खोलने के लिए। अगर हाँ इनको भारी मात्रा में अगर ज़रूरी पड़ जाए तब ये खोल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये लास्ट टाइम जब ओपन रैली हुआ था उस टाइम में 2007 में हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई खुला ही नहीं है। लगभग 12-13 साल हो चुका है, 15 साल हो चुका है, तो अभी तक खोला ही नहीं है। तो शायद आने वाले दिन में भी नहीं खोलेंगे ये लोग, क्योंकि ये SSC को दे दिया है, इसीलिए SSC के थ्रू से ही सब लोग होके आते हैं, तो ओपन रैली शायद नहीं खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आकाश सोनवा ने, सर एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है, जय हिंद। तो एडमिट कार्ड आपको जो पिछले वाले ये टेक्निकल ट्रेड के बारे में बात कर रहे होंगे आप, तो आपको अभी फॉर्म फिलअप खत्म होने के बाद 1 महीने बाद आ जाएगा आपको, यानी अभी मार्च चल रहा है तो अप्रैल का लास्ट तक आपको एडमिट कार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उषा सिंह ने, असम राइफल वर्सेस अदर फोर्स के फैसिलिटी के डिफरेंस के बारे में बता दीजिए, डिफरेंस के बारे में बताइए। तो डिफरेंस काफ़ी सारे हैं, हर एक फोर्स और असम राइफल और आर्मी के बीच में भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, इसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा एक, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स लोग आप लोग का क्वेश्चंस था ये, मैं बनाऊंगा इसके बारे में वीडियो एक डेडिकेटेड। तो आपको बता दूं जो हर एक फोर्स में अलग अलग रूल है, अलग अलग चीज़ें जो मतलब रूल है, तो उनका सबका अलग अलग फैसिलिटी है, अपना अपना जगह में अपना अपना फैसिलिटी एक ही मिलता है, लेकिन उसका प्रोसेस अलग अलग होता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, मैं बनाऊंगा एक वीडियो उसमें आपको बताऊंगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विकास नगल ने, सर असम राइफल क्लर्क सैलरी एंड वर्क पे वीडियो बनाओ प्लीज चैन। हाँ तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से डेडिकेटेड, क्योंकि इसमें अभी मैं नहीं बता सकता इसके बारे में, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो क्लर्क के सैलरी के बारे में, और आपने पूछा कि क्लर्क के सैलरी के बारे में और उसके वर्क के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा इसका। तो वैसे तो क्लर्क का ड्यूटी सिर्फ ओनली ऑफिशियल ड्यूटी होता है, इनका सिर्फ ऑफिस में ड्यूटी करना होता है, और बाकी इनके सैलरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड वर्क के बारे में भी डिस्कस करके अगले वीडियो में। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिथिलेश कुमार ने, असम राइफल कितने जोखिम फोर्स है, इसकी ड्यूटी बहुत हार्ड होती है ना सर। तो यार आपको बता दूं कि फोर्स में तो एक्चुअली डिफेंस में हर जगह में मुश्किल है ड्यूटी, कभी मुश्किल भी ड्यूटी करना पड़ता है, कभी इजी भी होता है, कभी छुट्टी भी होता है, तो कभी रेस्ट भी मिल जाता है आपको, और ड्यूटी कभी हार्ड भी मिलता है, तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर के सूत्रधर ने, सर असम राइफल से कौन 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 सा कमांडो बन सकते हैं एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो असम राइफल से यार कोई भी कमांडो ऐसे स्पेशल कमांडो तो नहीं होता है, तो असम राइफल का अपना ही अपना अपना एक घातक कमांडो होता है, जिसमें अगर आपका फिजिकल अच्छा है, फिटनेस अच्छा है, तो आप उसमें भर्ती होने के बाद उसमें आप जा सकते हो, आपका फिजिकल दिखा के, आपका फिटनेस दिखा के आप उसमें सिलेक्शन हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दीपेन देवनाथ ने, क्या असम राइफल में फैमिली रखने की सुविधा है। तो हाँ असम राइफल में मैक्सिमम 80% के लोकेशंस में आपको फैमिली रखने की हर एक सुविधा है, तो आप भर्ती होके आप अपने फैमिली को अपने साथ में रख के आप ड्यूटी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस है SK गुप्ता ने पूछा है AR का पर डे ड्यूटी कितने घंटा होता है। तो पर डे ड्यूटी अगर आपको 24 आवर में बता दूँ तो आपका 8 घंटा ड्यूटी है डे नाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा है जॉन कुली ने, सर संडे ऑफ होता है क्या, और सब छुट्टी एक साथ ले सकते हैं कि नहीं, मतलब ELCL को एक साथ में। तो हाँ ELCL को आप एक साथ में छुट्टी ले सकते हो, सब छुट्टी भी एक साथ काट सकते हो, अगर आपका घर में कोई फंक्शन है या कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप एक साथ छुट्टी काट सकते हो उसके लिए, एंड संडे हाँ ऑफ रहता है संडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भास्कर ज्योति कनवर ने, सर असम राइफल में लीव की सुविधा कैसी है। तो असम राइफल में लीव की सुविधा बहुत अच्छी है गाइस, आप साल में 3 बार 4 बार छुट्टी काट सकते हो, अपना छुट्टी है जैसे कि EL छुट्टी है आपका, NCL दोनों तीनों आपका है, 2 EL 1 CL आपका छुट्टी है, एंड बाकी भी है छुट्टी जो कि आप भर्ती होने के तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन छुट्टी के मामले में असम राइफल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुट्टी आप कभी भी किसी भी टाइम में आप काट सकते हो, छुट्टी जाने के लिए आपका कोई भी मना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है असम राइफल में छुट्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कृष्णा सक्सेना ने, सर असम राइफल और BSF में कौन सी चूज करें, कौन सी बढ़िया है। तो असम राइफल एंड BSF में बताऊँ तो BSF अपने जगह में
वो अच्छा है एंड असम राइफल, मैं खुद असम राइफल से हूँ तो मुझे खुद असम राइफल अच्छा लगता है। तो ये दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो वैसे तो मैं कंपेयर करना नहीं चाहता किसी फौज से, सभी फौज अपने अपने जगह में अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मैं असम राइफल से हूँ तो मुझे असम राइफल अच्छा लगता है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अगर BSF और असम राइफल में आपको चूज़ करना पड़े तो आप असम राइफल की तरफ जाइएगा, वह बेटर रहेगा। अच्छा, लेकिन हम इस वीडियो में हम दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते, अपने अपने जगह में सभी अच्छे हैं, फोर्स एक ही है, सभी डिफेंस है, हम वो भी आर्मी के जैसे हैं, हम भी आर्मी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नशा इंडियन आर्मी का ने, फिर से भर्ती आएगी क्या सर? मुझे NA से भर्ती होना है, अभी तो बारबर की एक पोस्ट है मेरे स्टेट में, अगर सिलेक्शन हो जाऊंगा तो पूरी सर्विस में कटिंग बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, अगर आपने बार बार के लिए अप्लाई किया तो आपको सारे सर्विस में आपको बाल ही काटना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं है कि आप बाल ही काटते रहो, क्योंकि अगर आपको कुछ दूसरे चीज़ में, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो आप स्पोर्ट्स में घुस सकते हो, कोई भी ट्रेड से आप जा सकते हो स्पोर्ट्स में, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका ट्रेड वही रहेगा, लेकिन सिर्फ ड्यूटी आप अलग कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको बाल ही काटना बोल के, लेकिन हाँ आपका ट्रेड है तो आपको काटना सीखना तो पड़ेगा, यही है। और अगर आप दूसरे अगर जैसे कि फिर से अगर भर्ती आएगी तो उसमें अगर आप NA के लिए ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा है प्रकाश ऑफिशियल HLM ने, इन्होंने पूछा है सर मैं त्रिपुरा से हूँ, फर्स्ट टाइम मैं असम राइफल ट्रेडमैन अप्लाई किया है, मेरा कहाँ हो सकता है सेंटर? तो आपका सेंटर, अगर आप त्रिपुरा स्टेट से हो तो आपका सेंटर आपको या दिमापुर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा है छोरा असम राइफल का, तो असम राइफल की ड्यूटी आर्मी के साथ भी होता है क्या? हाँ, तो असम राइफल को तो आर्मी ही कंट्रोल कर रहा है, तो हमारा जो है कि दोनों कंबाइन होता है, सब कुछ जो भी होता है ड्यूटी वगैरह, तो आर्मी के साथ टच में है एंड आर्मी और असम राइफल एक साथ मिलकर ड्यूटी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस पूछा है धनंजय रॉय ने, इन्होंने पूछा है कि SSC GD मेडिकल असम राइफल मेडिकल कौन सी ज़्यादा हार्ड होता है? तो ये दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आर्मी असम राइफल एक ही है, तो उन जो भी एक भर्ती होने के लिए मेडिकल में जितने भी आर्मी में देखा जाता है एक बंदा का कुछ भी टेस्ट वगैरह देखा जाता है, वही चीज़ असम राइफल में भी देखा जाता है, तो ये दोनों सेम है, कोई फ़र्क अलग कुछ नहीं होता है। इस क्वेश्चन पूछा है एयरमैन रिजल्ट कैंडिडेट्स ने, विल असम राइफल कम अंडर MOD? तो MOD के अंदर तो आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन केस चल रहा है अभी, देखो शायद आ जाए तो अच्छा रहेगा। एयरमैन रिजल्ट कैंडिडेट ने दूसरा सवाल भी यही पूछा है, जिसका मैं पहले ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ कि असम राइफल वर्सेज आर्मी फैसिलिटी डिफरेंस के बारे में, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा, तो शायद लंबा, बहुत लंबा है इसके बारे में, तो हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इतना ही था गाइस, जितना भी आपके क्वेश्चंस थे कमेंट में, मैंने सभी को पिक करने की कोशिश की है एंड ऑलमोस्ट शायद मैंने सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको दे चुका हूं, और जिसका शायद एक दो का छूट भी किया होगा, तो प्लीज़ आप दोबारा कमेंट में क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं आपको वहीं पे कमेंट में आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो Q&A को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में व्लॉग बनाने का सोच रहा हूँ कल से, डेली व्लॉग, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में कमेंट करके कि मुझे आपको व्लॉग देखना पसंद है या नहीं है, क्योंकि मैं अभी छुट्टी में हूँ तो घर का व्लॉग बनाएंगे। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।